जवाई बांध में लीकेज की सूचना ने उड़ाए होश। एसडीएम बोले दूधनी के पास बांध की पाल में रिसाव हुआ है, ग्रामीणों को अलर्ट करो। आप इस वीडियो को पूरा देखें, हम बताएंगे जवाई बांध के पाल रिसाव की पूरी सच्चाई। जवाई बांध की पाल में दूधनी के पास बड़ा लीकेज हो गया है, पानी का रिसाव हो रहा है, तुरंत आसपास के गाँवों के ग्रामीण को अलर्ट कर दो। मैं मौके पर हूँ। एसडीएम सुमेरपुर का ये मैसेज जब जल संसाधन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचा तो उनके होश उड़ गए, तुरंत मौके के लिए रवाना हुए। मौके पर पहुंचने के बाद जब उन्हें मॉक ड्रिल होने की जानकारी मिली तो राहत की छांस ली। दरअसल अधिकारियों की अलर्टनेस जांचने के लिए सुमेरपुर एसडीएम हरि सिंह देवल ने जिला कलेक्टर नामित मेहता के निर्देश पर मॉक ड्रिल की। इसको लेकर जवाई बांध कंट्रोल रूम से ये मैसेज सूचना वायरल की गई। जवाई बांध की फ्लैग वॉल ए कच्ची पाल मछली कांटा फिश लैडिंग सेंटर ग्राम पंचायत दूधनी के पास पाल में सुराख हो गया है। मिट्टी के कटाव व पानी का रिसाव ज़्यादा बढ़ रहा है, पानी स्पीड से निकलने लगा है। विभाग द्वारा आवश्यक संसाधन जुटाकर पानी को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के गांवों में लोगों को सतर्क किया गया है ताकि किसी तरह की घटना न हो। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एसडीएम का ऑडियो, उसके साथ ही एसडीएम देवल का एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे बोल रहे हैं कि जवाई बांध और जवाई नदी के ओवरफ्लो के चलते दूधनी के निकट कच्ची पाली मछली कांटा के पास बड़ा लीकेज हुआ है, आसपास के गांव वालों को तुरंत अलर्ट करें। यह मैसेज अब सोशल मीडिया ग्रुप में चल रहा है। कईयों ने तो अपने हिसाब से जवाई बांध लीकेज होने की जानकारी कई ग्रुपों में शेयर भी कर दी। ऐसे में जिलेवासी भी कंफ्यूज हो गए कि जवाई बांध में लीकेज हुआ है या मॉक ड्रिल हुई है। हम आपको बता दें कि यह एक मॉक ड्रिल थी, ना कोई लीकेज हुआ है। वहीं ये मैसेज सुमेरपुर जालौर सिरोही सहित जिलों में वायरल हो गया है और लोग सभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जानकारी जुटा रहे हैं। मगर हम आपको बता दें कि एक ये मॉक ड्रिल था, कोई पाल में रिसाव नहीं हुआ है। सभी प्रशासन को अलर्ट करने के लिए मॉक ड्रिल किया गया था।